ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीपीयू ने अपनी वैकेंसीज 2020 के लिए निकाल दी हैं। तो अगर आप एक एसआई ग्रुप में दिल्ली पुलिस और या साथ ही साथ में सीएपीएफ में अपना करियर जैसे बीएसएफ सीएसएफ में बनाना चाहते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव जॉब है, चाहे वो पोजिशन की तौर पर हो, चाहे वो पावर की तरफ से हो, चाहे वो पैसे की तरफ से हो। पैसे का मतलब वैसा पैसा नहीं, पैसे का मतलब पे लेवल 6 में जॉब आती है और आफ्टर ट्रेनिंग 50 से लेके आप 55,000 के बीच में कैश इन एंड सैलरी लेते हो। बड़ी मज़ेदार जॉब है, ठीक है। तो इसलिए बीइंग ए सर्विसमैन मुझे पता है कि बेल्ट की नौकरी और रुतबा क्या होता है, और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस का तो कहना ही क्या। तो प्लीज़ आप अगर एक बेल्ट की नौकरी में और एसआई ग्रुप में अपने कैरियर को चैलेंजिंग बना सकते हैं, तो फिर आप को ये जॉब निश्चित तौर से डेफिनेटली करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बनी सी बात है। तो इस चैनल के ऊपर पिछले साल के हल प्रश्न पत्र कराए जा रहे हैं, तो इस का ये आपका 11वां पार्ट है। इसके पहले के 10 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में साथ ही साथ वीडियो के एंड में दी गई है, वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है एसएससी सीपीओ के पेपर की। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम बर्बाद किए, जैसा आप सभी को पता है, 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, सभी को कवर कराया जाएगा। और केवल ये सीपीओ के लिए नहीं है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, साथ साथ में रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेम होते हैं, थोड़े बहुत एक सेम का मतलब पैटर्न सेम होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि क्वेश्चन ही सेम हो जाते, पैटर्न सेम होता है, उसी पैटर्न पर मिलते जुलते आते हैं और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्शन होगा। ये रीजनिंग एक स्कोरी सब्जेक्ट है आपका, लोग मतलब इसमें 90 से 95% नंबर स्कोर कर लेते हैं इजिली बोलूंगा मैं आपको। और सीपीओ का तो कोई खास तौर से हार्ड भी नहीं होता है, आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, आपके समझ में आएगा स्टैंडर्ड इसका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके थे, अब आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इसको करने की कोशिश कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले के सेट में करा रखा है, सेम तकरीबन डिटो, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले हो चुका है। अगर आप देखेंगे जो रिलेशन पूछ रहा है 16 का 68 से, वैसे 28 का रिलेशन वो क्या है जो भी एग्जामिनर ने सोच रखा है, तो गौर करके देखें 16 × 4 क्या होता है, 64 होता है। और 16 में अगर हम 4 का भाग दें तो बराबर 4 आएगा, और 64 में 4 को जोड़ दीजिए तो आपका 68 आ जाएगा, 68 आ गया। क्या यही रूल आगे फॉलो हो रहा है? तो 28 × 4 करोगे तो कितना होगा? अब आप कैलकुलेट करोगे 8 × 4 = 32। आप एक काम करो, यहाँ पर भी स्मार्टली आपको वर्क करना है, अगर मैथ भी, क्योंकि मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 28 की जगह 30 कर लो, 3 × 4 = 12 120 होता है, और आपने 2 ज़्यादा बढ़ाया तो 2 × 8 = 120 से आप 8 घटा दोगे तो 112 आएगा। ये थोड़ा आपका स्मार्टली वर्क हो जाएगा, विजुलाइज ऐसे आप करोगे ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। तो 112 हो गया यहाँ पर, और उसके साथ में 28 × 4 करोगे तो 7 आएगा, 112 में 7 जोड़ दोगे तो आपका कितना आएगा, 119। आपका पहला ही आंसर 119 है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी आंसर नहीं, तो ये आपका मिल गया, तो इसका मतलब ये आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19। वे नारे का चयन कीजिए जिन वो जो इनके बीच में सही रिलेशन दर्शाता है, बिल्ली स्तनधारी तोता है। तो आप सभी को पता है क्या, बिल्ली मैमल्स है आपकी, स्तनधारी है, तो स्तनधारी के अंदर बिल्ली हो जाएगा और तोता आपका स्तनधारी नहीं है, इस टाइप का हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया है, तो आप इसको कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि भैया तोता और बिल्ली में कौन स्तनधारी है, अगर ये नहीं पता तो शायद ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अगला है, निम्नलिखित में 4 एक जैसे हैं और 1 असमान है, बताइए। कागज, रबड़, लेखन सामग्री, कलम। शायद देखते समझ में आ रहा होगा आपको क्या, कि कागज, रबड़ और कलम ये तीनों लेखन सामग्री में आते हैं, इसलिए लेखन सामग्री इसमें ऑड हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 देख रहे हैं, थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन में समय देना पड़ता है वहाँ समय दे रहा हूँ, जहाँ नहीं है तो वहाँ आप समझ जाते हो कि हर क्वेश्चन में समय देने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आपको ट्रिक्स बतानी है, जिनको आप अडॉप्ट करोगे, जिनसे आप टाइम कम से कम अपना कर सको, वो चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से 3 एक जैसी हैं और 1 समान आपका थोड़ा सा ऑड है, ये भी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे मैंने पहले करवा चुका हूँ, मैंने खुद सेट के अंदर, आप देखेंगे जब तो एक के बाद एक देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके पहले के जो 10 वीडियोस हैं आप देखिए, 7 और 2 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 4 और 1 को जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, यहाँ 3 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 ये एक जैसे हैं और 1 ये आपका ऑड है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखते समझ में, विजुलाइज हो रहा है। मैंने एक चीज़ देखी है कि 3 या उससे ज़्यादा अंकों की संख्या, जैसे यहाँ 5 6 9 2 अगर दिया होता ना, इस टाइप से ऑप्शन में अगर 3 और उससे ज़्यादा की संख्या है तो डेफिनेटली उनमें आप अंकों के योग करके देखो, ठीक है। या तो सारे अंकों का योग आपका कुछ बता रहा होगा, या फिर आगे पीछे के अंकों के बीच में बता रहा होगा, या फिर 3 अंकों का योग इसके बराबर होगा, इस टाइप से हल हो जाते हैं 90% केसेस में। केवल 10% केसेस में कुछ और उनमें से ट्रिक लग सकती है, बाकी
अंकों के योग से आ जाते हैं। अगर दो अंक या एक अंक हो तो आप समझ लीजिए कि या तो स्क्वायर है या क्यूब है या कुछ इस टाइप की प्रोबेबिलिटी आप करने की कोशिश उसमें करिएगा। ये एक पैटर्न मोस्ट ऑफ देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मिरर इमेज बताइए। ठीक है, दर्पण के सामने रखने पर मिरर इमेज, तो ये जो स्टार का फूल आपका ये है और ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, क्या देखिए, कितने ऑप्शन में ये दिखा रहा है। सबसे पहले आप एक ही काम किया करो, पहले आप एक चीज़ को देखो, आप दोनों को मत बनाओ, इसको देखो इस टाइप से कितने आपके आंसर हैं। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, अभी आपको और समझ में आएगा। अब आपके सामने चारों आ गए, अब ज़रा गौर करके आप देख लो, केवल इसमें आ रहा है और इसमें तो ये ऊपर चला गया, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें इसमें आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ये घूम गया, ये ऐसे घूम गया, जबकि ऐसे होगा इसका मतलब इसका आंसर एक ही हो गया। सीपीओ के अंदर एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि ऑप्शन आपके ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होते हैं इन कंपेरिजन टू सीजीएल और सीएचएसएल में। वहाँ ऑप्शन बहुत कन्फ्यूज होंगे, वहाँ इस टाइप के दो तीन आपके ऑप्शन दे रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, इसमें एक से हल हो रहा है तो बहुत जल्दी आपने कर लिया, तो ये एक चीज़ अच्छाई है इसके अंदर आपके इस हिसाब से। अगर आप करोगे ये चीज़ अच्छाई है, इस चीज़ को आप पकड़ के थोड़ा सीखिए। ठीक है, चार संख्याओं में तीन एक जैसी हैं, एक और है बताइए, तो शायद ये भी आपको देखते समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्या है, ये आपका 8 का स्क्वायर है 8/64, ये 4 का स्क्वायर है, और ये आपका क्या है, ये आपका 2 का क्यूब है, लेकिन ये 34 में ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो इस हिसाब से ये ऑड हो सकती है। एक और रूल लग सकता है इसमें, ये तीनों संख्या 8 से विभाजित हैं, 8 8 2 16 8/64, उस हिसाब से भी ये ऑड हो रहा है। ये दोनों हिसाब से हमने क्या देखा, ये 34 इसका आंसर है। ठीक है, एसएससी ने भी इसका आंसर यही दिया हुआ है, 34। आपके दिमाग में कुछ और आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा मेरे को। 24 बोला है कि अगला नेक्स्ट कौन आएगा, तो देखते समझ में आ रहा, 15 पैसे से 20 पैसे हुए, 5 पैसे, फिर 10 पैसे, फिर 15 पैसे, फिर 20 पैसे, आप 25 पैसे जोड़ दीजिए। 65 में 25 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 70 2 90। ये देखिए, तो बहुत आसान है, उसका आंसर नंबर 1 आ गया। इस प्रकार से इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा तभी आप सिलेक्शन मानिए। ठीक है, बार बार अगर आप इन चीज़ों में कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर मुश्किल है। ठीक है, इतना तो विजुलाइज़ करना आपको सीखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, आप क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिए, बोला है निम्नलिखित में से किन दो समीकरणों को आप आपस में बदल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा जितना भी आपकी फास्ट, आप पहले गुणा और भाग में फोकस हमेशा क्या करो, मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका उसी से आंसर आ जाएगा। बात नंबर 2, आपकी माइंड कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। इसमें भाग को तो हम छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बटे है, तो ये जैसे आप हल करोगे तो भाग को नहीं छेड़ना आपको। ठीक है, क्योंकि ये 64 इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये भाग तो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब आपको 120 और 45 का गुणा किया गया, इस चीज़ को समझ जाना चाहिए, क्योंकि वापस आपको 5 यहाँ लाना है। अगर 120 में 45 का गुणा करोगे तो करीबन 5.5 से 6,000 के बीच में संख्या आएगी, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमको गुणा तो हर हाल में चेंज करना है, हर हाल में गुणा आपका चेंज होगा, ये आपको सोचना है, इस लेवल तक सोचना है। अगर गुणा होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे आपके बेकार हो गए ना आपके। ठीक है, अगर गुणा आपका चेंज होगा, और करना ही पड़ेगा, गुणा नहीं चेंज करोगे तो 6,000 के ऊपर संख्या आ जाएगी तो कैसे काम चलेगा। अब आप क्या करोगे, यहां 16 आ गया, अब आप देख लीजिए, तो हम इस गुणा को चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यही बचा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप एप्लीकेबल कर लो, गुणा और माइनस, और यहाँ से भी करके आप देख सकते हो। जैसे आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो 16 * 5 और उसके बाद यहाँ माइनस हो जाए, ये क्या हो गया, एक मिनट मेरे ख्याल से, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर 16 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप करोगे, यहाँ 16 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर गुणा और माइनस को आप चेंज करके देख लो। गुणा की जगह 45 यहाँ आ जाएगा, 45 - 120 ही आ जाएगा, और ये 16 के बाद में यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 ओके, इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिएगा। 16 * 5 = 80, 80 और 45 को जोड़ोगे 125 आ जाएगा, 125 में 120 घटाओगे तो बराबर आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जो मैंने आपको तरीका बताया स्मार्टली वर्क करना, आपको देखते पहले ये समझ जाना चाहिए, ये तो हमें 100% इसको चेंज करना ही करना, क्योंकि अगर इसको आप चेंज गुणा को नहीं करोगे, यहाँ दूसरा सिंबल नहीं लाओगे, तो ये क्वेश्चन बहुत 5 तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता किसी कीमत के ऊपर। तो ये दोनों तो पहले आप काट दो, अभी ये दोनों बचिए, उसके बाद आप उसके ऊपर स्मार्टली वर्क करके इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, ये बोला निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। अब अगली आकृति आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, गौर करके देख लीजिए, ये यहाँ पर इस जगह है तीर का निशान, फिर दूसरी तरफ हो गया, ऊपर हो गया, फिर ये नीचे आ गया, तो अगली बार तीर का निशान ऊपर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, बात नंबर दो आपका क्या आएगा कि जैसे आप करोगे इस टाइप से इसमें कि ये इसमें नीचे है, ठीक है, फिर इसमें बराबर हो गया, अब फिर इसमें इस टाइप से ये नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो ये जैसे आएगा ये आपका नीचे करके
ऊपर और नीचे करके आपका ऑप्शन आप निकालोगे तो इसके अंदर 26 का ऑप्शन एक नंबर आपका, मुझे एक ही नंबर इसमें दिख रहा है 26 में आपका एक नंबर और दो नंबर, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर इसका एक नंबर आपका, ठीक है, 21 का आपका क्या हो जाएगा एक नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा जो आपका एक नंबर है हल, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।